शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। किसकी फोटो खींच रहा था? सच सच बता, मेरे ही खींच रहा था ना? अरे गला तो छोड़, बता तो। हम बता बता जल्दी बता। वो क्या है कि कैमरे में मेरे को पहले दो भैंसे दिखाई दी और पास आने पे एक ही दिखाई दे रही है। अच्छा अच्छा, क्या मुझे भैंस पता है? मुझे भैंस बोलता है, बोल। नहीं नहीं, तू तो जीना समान हेमा मालिनी राखी सब कुछ है। लेकिन गला तो छोड़ो प्लीज। तेरे बाप की कहीं क्या राशन की दुकान है क्या? नहीं तो, वो तो हवेली में काम करते हैं। हवेली में? तो तू सुखलाल जी को जानती है? अरे वही तो मेरे बापू हैं। सुखलाल जी तेरे बापू हैं? कहीं तुम्हारा नाम मैना तो नहीं? हाँ हाँ, मैं मैना हूँ। मैना हूँ। और तुम? मैं तोता राम। हाय राम। तुम तोता, मैं मैना। जरा उठ जाओ तो आए चाहे ना। प्लीज। मेरी टांगे मच गया। नहीं, मैं भारी तो नहीं? नहीं नहीं, आप भारी हैं और मैं आभारी हूँ। मेरी फोटो नहीं लोगे? जरूर लूंगा, जरा सांस ले लूं और हाथ ठीक कर लूं। जरा हंसिए। क्या हुआ जी? जरा नाजुक हंसी हंसी है ना, 100 ग्राम वाली नहीं, 15 ग्राम वाली। तो ऐसे कहो ना। हाँ ये करेक्ट है, पकड़ के रखिए हंसी को। तोताराम जी आप कब आए? जी मैं अभी तक आया का हूँ, मैं तो अभी तक रास्ते में हूँ। और आते ही तोता को मैना मिल गई। जी शादी से पहले ही फोटो खींचने शुरू कर दिए। मैना बेटी तुम मेहमान को दूध लस्सी पिलाओ, मैं हवेली तक हो गया था। मैं भी आता हूँ। अरे अरे आप कहाँ जा रहे हैं? चलो खातिर करती हूँ। अच्छी तरह खातिर करना। हाँ एक प्लेट भजियाला, एक प्लेट उसल्ला, कोने के टेबल में पानी दे दो जल्दी। इधर आओ। क्या बात है साहब, ये हलवा घी में बना या घासलेट में? कमाल कर दिया आपने तो साहब, आजकल घी और घासलेट मिलता ही कहाँ है, कुछ भी समझ कर खा लीजिए। दो शक्कर का स्पेशल बना दो। आधा किलो हलवा देना। आधा किलो हलवा जरा पैक करके देना। आधा किलो हलवा, एक और मुर्गा फंस गया। पिताजी ऐसी आपकी कृपा होती रहे और मैं माता जी की सेवा करता रहूं। अरे आप कब आए लल्ला जी? पायल, अरे ये क्या कर रहे हैं? आपके आशीर्वाद से सोप फैक्ट्री के लिए जमीन की मंजूरी मिल गई। अच्छा अच्छा, इसलिए सत्यनारायण की कथा भी करवा डाली। बहुत अच्छा, भगवान के काम में देर करना तो अच्छा नहीं। हाँ। प्रसाद लीजिए। लल्ला जी आपके जैसा दामाद तो बड़े भाग्य से मिलता है। अरे नहीं ये क्या कर रहे हैं? शीला जी सत्यनारायण का प्रसाद लो। और ले लो। अरे शुक्लाल प्रसाद तुम भी लो, लोगों को बांट दो। लाइए लाइए जमाई बाबू, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। चलता है। क्या है माता जी? हाँ? मन्नत मांगी थी। हाँ? कि ये काम पूरा हो जाए। हाँ? तो देवी को सोने के कंगन चढ़ाऊंगा। अच्छा अच्छा, काम तो पूरा हो गया। हाँ? अब ये कहाँ चले गए? अरे शोभा शोभा, आपका भाई। वो छोड़, जरा कंगन तो उतार के दे। ये क्या लल्ला जी, मैके में माँ के सामने उसकी बेटी के कंगन उतरवाएंगे? नहीं माता जी, चढ़ावा देना तो पड़ेगा। चलो। अरे तू ठहर। सिल्ली, अरे वाह सिल्ली। जी माँ जी, इधर आ, ये कंगन तो उतार। जी देख क्या रही है, कंगन उतार के लल्ला जी को दे, देवी को चढ़ाएंगे। नहीं नहीं माता जी, शीला जी के कंगन क्यों? क्यों, ये क्या साथ लेकर जाएगी? ला लीजिए।
रही है। मैंने कहा कोई कौन चाहिए? जी वो मेरे ससुर जी, मेरा मतलब है सुखलाल जी हैं। सुखलाल तुम्हें कोई मिलने आए हैं? थैंक यू। ओ तोताराम जी, आओ। ये जो साहब थे जिन्होंने आपको बुलाया, ये कौन है? इस घर के जमाई है। जमाई? सत्यनारायण का प्रसाद बांट रहे हैं, लो तुम भी खा। ये सत्यनारायण का नहीं, नारायण होटल का घासलेट चाप हलवा है। मैंने अपनी आंखों से इस सज्जन को ये हलवा खरीदते देखा है। बड़ा बदमाश जमाई है। छी 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 छी, हद हो गई। इसका मतलब ये सारा प्रसाद का नाटक बहुरानी के कंगन उतरवाने के लिए था। इस तरह तो ये सारा घर लूट लेगा। नहीं नहीं, मुझे शहर जाकर प्रकाश बाबू को सब बताना होगा, सब बताना होगा। होटल के हलवे को सत्यनारायण का प्रसाद बोल के बांटा गया? छी छी छी। इतना ही नहीं, बहुरानी के हाथ की चूड़ियां उतरवा ली। कहने लगे मन्नत मांगी है, चढ़ावा देना है। ऐसी सास मिलने पर चूड़ियां क्या काका? वो तो घर भी बिकवा देगा और हमारी माँ से भी नहीं समझेगी। ऐसे दामाद की तारीफ हो रही है और घर के बहू बेटे को चैन की रोटी भी नसीब नहीं। बेचारी वीना को खेलने को खिलौना नहीं। और ये श्रीमान जब भी तशरीफ लाते हैं 8-10 हजार का माल लिए बगैर जाते ही नहीं। लेकिन तुम्हारे भैया और शीला बहन कुछ बोलते क्यों नहीं? दुर्गा, तुम हमारे घर के बारे में कुछ नहीं जानते। हमारे पिताजी बड़े ही सूरमा आदमी थे, लेकिन जो भी दबदबा था घर के बाहर, घर के अंदर माँ की हुकूमत चलती थी। यहां बेचारे पिताजी कुछ नहीं कर सके, आप भैया भाभी की कौन सुनेगा? लेकिन अपने घर की जिम्मेदारी हमारी भी तो है। कैसा अपना घर, मैं उस घर को हमेशा के लिए भूल चुका हूँ। नहीं छोटे मालिक, ऐसा मत कहिए। मैं सिर्फ उस ईंट पत्थर के मकान या उनके धन दौलत के बारे में ही नहीं कह रहा। जरा उन जिंदा इंसानों के बारे में सोचिए जो जुबान रखते हुए भी बोल नहीं सकते, जो अपने मन को मारकर जो दिखता है उसे देखते और सहते रहते हैं। मैं पूछता हूँ ये सब कितने दिन तक चलता रहेगा? सुखलाल काका, मेरे भी दिल से, मेरा तो खून का रिश्ता उनके साथ। मैं भी बहुत सोचता हूँ, लेकिन माँ की मर्जी के बिना किसी को चलती है। कितनी बार भैया भाभी से कहा गांव छोड़कर यहाँ चले आओ, और तुमसे भी यही कहता हूँ, वो घर इंसानों के रहने लायक नहीं है। क्यों नहीं रहते हमारे साथ? क्यों रहूं तुम्हारे पास? एक तरफ खून का रिश्ता भी कहते हो और दूसरी ओर उनसे संबंध भी रखना नहीं चाहते। मैं नौकर हूं, उस घर का नमक खाया है मैंने, मैं मुंह नहीं मोड़ सकता, जाता हूं। सुखलाल काका। नहीं बेटिया नहीं, बड़ी आस लेकर आया था। ठीक है, भगवान की जो मर्जी होगी वही होगा। उन जिंदा इंसानों के बारे में सोचिए जो जुबान रखते हुए भी बोल नहीं सकते। माँ के गुस्से के नीचे दब गई है। दुर्गा उठ चुकी? मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों, क्या बात है? एक बात पूछूं? पूछो। मेरी बात मानोगे? अरे बाबा, कौन सी बात है जो नहीं माने? बोलो क्या बात है। वचन दो। दिया वचन। मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। क्या ससुराल? होश में तो हो तुम? बिल्कुल होश में हूँ। अपना इतना बड़ा घर है, परिवार है, फिर हम पराए लोगों की तरह उनसे अलग क्यों रहें? अचानक आज तुम्हारे मन में ये पागलपन कैसे घुस आया? अचानक नहीं, शादी से पहले ही मैंने सोच लिया था। शादी से पहले? यानी कि तुम
अपने पिता के अपमान का बदला लेना चाहती हो। नहीं नहीं ये बात नहीं है। तो फिर वहां जाने की जिद क्यों? तुम समझते क्यों नहीं? सुखलाल के आंखों में छलकते हुए आंसू बार बार कह रहे थे कि उन जीते जागते इंसानों के बारे में सोचो। तुम्हारे भैया भाभी और वीना की हालत सोच सोच के मेरे मन में हलचल मच रही है। हम आज जरूर जाएंगे प्लीज। लेकिन ये सोच लो, मेरी माँ तुम्हें घर के अंदर कदम भी नहीं रखने देगी। मुझे विश्वास है मुझे उनकी ममता और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ममता और आशीर्वाद मेरी माँ से? कुछ भी हो हम जाएंगे, तुमने मुझे वचन दिया है। ठीक है तो हम रिटर्न टिकट लेकर चलेंगे क्योंकि हमें हवेली की चौखट से ही वापस लौटना पड़ेगा। अभी चले? कल। कल? हाँ। तो भी ठीक है अभी सोते हैं। भगवान आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर जा रही हूँ मैं, मुझे शक्ति दो मैं उसे निभा सकूं। जब तुम जाना ही चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन दिल कहता तुम ससुराल में सुखी नहीं रहोगी। पापा, शादी के बाद लड़की का घर ससुराल होता है, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं उस घर को सुखी बना सकूं। बेटे मैं तुम्हें यही आशीर्वाद दूंगा कि अपनी सास की कठोरता को प्यार और ममता में बदल देने में सफल हो। बेटी अपनी सास के दुख सुख को अपना दुख सुख समझना, उनकी सेवा करना यही बहू का धर्म है। क्या हो बेटी? भाभी प्रकाश तो नमस्ते। अंदर मत आना दीदी जी, बाहर ही ठहरना। अरे पर राम राम छोटी मालिक, राम राम छोटी बहुरानी, राम राम सुखलाल काका, कैसे हो? राम जी की कृपा। अरे ड्राइवर भैया जरा सामान तो उतरवाओ। जा जा बहुरानी जल्दी जा। देवरानी, आज लक्ष्मी नई बहू के रूप में घर में पैर रख रही है। दुर्गा धान से भरे हुए इस बर्तन को पैर से अंदर गिरा दो और उसे लांग कर घर में प्रवेश करो ताकि तुम्हारा घर हमेशा अनाज से भरा रहे। ये दरवाजे पर कौन पराए लोग आए हैं? पराए? पराए कोई नहीं है माँ, अपने ही हैं। शोभा कह दे उन्हें मैं उन्हें नहीं पहचानती। दीदी उनसे कहो उनके छोटे बेटे आए हैं, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी इस घर की बहू आई है। मेरा छोटा बेटा था अब नहीं है। उम्र और रिश्ते को शोभा देने वाली बात मुझसे निकालिए माँ जी। सुना माँ तुम्हें अकल सिखाने आई है। निकाल दे इसे यहाँ से। बाप बड़े घमंड से कह के गया था कि मेरी बेटी तुम्हारे चौखटे पांव रखने नहीं आएगी,
क्यों आई है? उन्होंने कहा होगा, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं इस घर की नई बहू हूँ, इस घर में प्रवेश करने आई हूँ और करके ही रहूंगी। दुर्गा, बहुत तमाशा हो चुका, अब चलो यहाँ से। नहीं, मैं इस रस्म को पूरा करके अंदर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, ये बात है तो फिर मैं ही ठोकर मारती हूँ इस घर में आने की रस्म को। मैं कहती हूँ चली जा, चली जा यहाँ से। ऐसा अपशगुन ना कीजिए माँ जी, लक्ष्मी का अपमान होता है। कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल कीजिए। क्या कहा? मैं अपनी इज्जत का ख्याल करूं? चलती हो यहाँ से? नहीं माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, आपको मुझे अपनाना ही होगा। तो तू ऐसे नहीं जाएगी, धक्के मार के निकाल। चल हट, रहने दे ढोंग को। अरे वाह, पहले माँ का अपमान अब सम्मान। दीदी, माँ मैं जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है, उसे भी साथ लेता जा, उसका यहाँ रहना मुझसे सहन नहीं होगा। मैं तो खुद चाहता हूँ माँ कि वो यहाँ ना रहे, लेकिन क्या करूँ, मानती नहीं। अच्छा, तो मुझसे झगड़ा करने के इरादे से आई है। मैं भी देखती हूं कितने दिन मेरे सामने टिकती है। अपना ख्याल रखना दुर्गा, मुझे तुम्हारी चिंता है। सोचता हूं मां के साथ तुम्हारी कैसे निभेगी। उसकी फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर लूंगी। चिट्ठी लिखते रहना। रहने दो दुर्गा, ये क्या दीदी, तुम तो मुझे कुछ काम करने ही नहीं देती। मैं भी तुम्हारी तरह ससुराल में आई हूँ। तुम तो दो चार दिन के लिए आई हो, तुमसे काम कराना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम जो सारा दिन काम करती रहती हो, मैं तो सदा के लिए यहाँ की हूँ। मेरा क्या है, काम काज तो एक आदत सी बन गई है। मैं भी चार दिन में नहीं जाने वाली, ससुराल में रहने आई हूँ। क्यों अपना सुखी जीवन दुख में डाल रही हो? दुखों का सामना करने आई हूँ मैं। इस घर की घुटन में सांस लेती हुई अपनी बड़ी बहन का साथ देने। बहन दुर्गा, बड़े नसीब से मिलती है तुम जैसी बहन। इस चार दीवारी में
हमें साथ पाकर लगता है बहुत बड़ा सहारा मिल गया है। दीदी, तुम्हारी आंखों में आंसू? शादी के दिन से आज तक आंसू ही बहा रही हूँ। आज पहली बार खुशी के आंसू छलक रहे हैं आंखों से। एक बात पूछूं? पूछो। उनसे यहाँ के बारे में जानकर मैं ये सोच रही थी कि इतने दिनों से तुम सासू जी के जुल्म सहती रही हो, दबने पे तो चीटी भी काट खाती है, क्या मन नहीं है तुम्हारा? है, लेकिन वो मर गया है। रहने दो, कुछ मत कहो, कहने दो, आज मुझे सब कुछ कहने दो। तुम्हें बताने से परसों से मेरे दिल पर रखा बोझ हल्का हो जाएगा। मैं क्या की छाया से मैं यहाँ रहने आई, मेरे माँ बाप की गरीबी का जिक्र माँ जी उठते बैठते करती रहती है, रोज ताने दिए जाते हैं मुझे। शादी की पहली रात थी, मैं जिंदगी की नई खुशियों के सपने सजाए उनके कमरे में जा रही थी। है वहां कहां जा रही है? अपने कमरे में जा रही है। पहले ये तो बता, तेरे माँ बाप दहेज के 30,000 रुपए कब देंगे? मैं कैसे बताऊं, पर उन्होंने कहा तो है दे देंगे। हाँ, मगर कब? मरने के बाद? कान खोल कर सुन ले, जब तक दहेज के 30,000 रुपए नहीं आते तो मैं के नहीं जा सकती, उनके मरने पर भी नहीं। माँ जी, क्यों ऐसी अशुभ बातें मुँह से निकालती है? जवाब देती है मुझे? खैर अभी बताती हूँ, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि फिर कभी मेरे सामने मुंह न खोल सके। माँ जी, नहीं माँ जी, यार नहीं माँ जी। मैंने सोच समझ कर पाँव पे दाग दिया है ताकि तुझे जिंदगी के हर कदम पर याद रहे कि मेरे सामने मुंह खोलने का क्या नतीजा होता है। जा, अब कर अपनी गृहस्थी की शुरुआत। मैं रात भर उनके कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोती रही। वो मुझे समझाते रहे, तसल्ली देते रहे, मगर उनमें माँ जी से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। माँ, तुम मेरी शादी कभी मत करना, नहीं तो मेरी सास भी मेरा पाँव जला देगी। पीना, ऐसे नहीं कहते बेटी। दीदी, अब मैं आ गई हूँ तुम्हारे जख्मों पे मरहम रखने, तन के और मन के भी। इस घर में अब और जुल्म नहीं होंगे। सिल्ली, चल खाना परोस। बैठिए माँ जी, मैं खाना परोसती हूँ। क्यों, उसके हाथ टूट गए हैं क्या? अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो क्या सारा काम शीला दीदी ही करेंगी? मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। देखा माँ, कर्नल की बेटी फर्ज भी सीख कर आई है। नहीं नहीं, आई है ना, एक दो दिन नाटक तो करेगी ही। वो क्या देख रही है, चल जल्दी खाना परोस, भूख लगी है। तोबा, क्या खाना है! दूसरी आई है तो पहली से भी गई गुजरी। अच्छा खाना हमारे नसीब में ही नहीं है। खा बेटी। अरे अरे, दाल दाल ना, ये दाल बनाइए, पानी भर दिया है, कोई जायका ही नहीं। और ये भाजी, आधा तो नमक झोंक दिया है इसमें। कोई जानवर भी मुंह न लगाए इस खाने को। खा। दीदी, तुम भी बैठ जाओ, खाना खा लो। नहीं नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। बाद में क्यों, मैं परोस रही हूँ, बैठो। खैर, ये हमारे साथ बैठ के खाएगी? क्यों नहीं, ये घर की बड़ी बहू है। बैठो दीदी। चली, उठ वहां से। नहीं, ये नहीं उठेंगी। तुम खाओ दीदी, फिक्र मत करो। क्या कहा, मेरे खिलाफ भड़काती है उसे, बेशक